उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिए बयानों की लिस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बार उन्होंने नैनीताल जिले के रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोविड 19 प्रभावितों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया गया और जिसके 20 बच्चे थे उसके पास 1 क्विंटल राशन आया, जबकि जिसके 2 थे उसके पास सिर्फ 10 किलोग्राम ही आया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण बचे भी और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में, आपदा की। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। एक तरफ सरकार इस कोशिश में लगी है कि किसी तरह जनसंख्या को कम किया जाए और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? इससे पहले भी वे कई बयान दे चुके हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रविवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में भारत की तुलनात्मक तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें 200 साल तक गुलाम बना रखा और दुनिया पर राज किया, वर्तमान समय में वह कोरोना से संघर्ष कर रहा है। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे, लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 3.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है, फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। मंत्री जी को कोई बताए कि अगर अपने देश में बाहरले देशों के व्यक्तियों को अंग्रेज बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिस्ट्री में भी छेड़छाड़ करते। असल में भारत में ब्रिटिश का राज था, ना कि अमेरिका का। अब बात इनके अगले बयान की करते हैं, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई। उन्होंने महिलाओं की फटी जीन्स पहनने को लेकर टिप्पणी की थी। इस दौरान अपने एक अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार वो प्लेन से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक महिला की फटी हुई जीन्स पहने देखा। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। महिला एनजीओ चलाती थी जबकि उनके पति जेएनयू में प्रोफेसर थे। रावत ने कहा कि ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। तब देखा तो नीचे गम्बूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना? दिल्ली जाना। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है
घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर महिलाओं ने एक आंदोलन सा छेड़ दिया। सभी ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसमें नेता भी शामिल थे। तीरथ सिंह रावत ने इस बयान को लेकर माफी भी मांगी। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनकी बात अगर किसी को बुरी लगी तो वह इसके लिए माफी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे लोगों से माफी मांगते हैं जिन्हें उनके बयान से तकलीफ पहुंची है। इससे पहले हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान कृष्ण और राम से कर दी थी। तीरथ सिंह रावत ने ये भी कहा था कि एक दिन लोग प्रधानमंत्री मोदी की पूजा करेंगे। उनके इस बयान की भी काफी आलोचना हुई थी। भैया मोदी का चमत्कार है, मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। अब नेताजी की हम क्या आलोचना करें, उनकी आलोचना तो सोशल मीडिया पर पहले से ही हो रही है। हम यही कह सकते हैं कि मंत्री जी विकास पर ज्यादा ध्यान दें और जिस प्रदेश की उनको जिम्मेदारी मिली है उस प्रदेश की जनता की कठिनाइयों को हल करें। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.